अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना नई सुबह नए मेहमानों के साथ होती है। मेरी सुबह तो मेहमानों के साथ होती है, और आप लोगों की सुबह कैसे होती है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो मेहमानों के साथ ऐसे होती है कि कोई आर्टिस्ट आता है, कोई न्यू टैलेंट आता है, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटीज़ आती हैं यहाँ पर, जिनसे आपको शो में मिलने का मौका मिलता है और आप काफ़ी कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। तो ऐसी आज की जो गेस्ट हैं वो भी बहुत मेरे लिए, मैं कहती हूँ आप सबके लिए फेवरेट पर्सनालिटी हैं। उनकी जो कोटेशंस होती हैं, पोइट्रीज़ होती हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, एक हार्ट टचिंग होती हैं, और जितना तारुफ़ करवाया जाए उनका कम है। तो वेलकम करती हूँ मैं अपने शो पे रईस सरफराज बलोच को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं मज़े में होती हूँ, आपको पता है मुझे क्या होना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज, इनके साथ एक और बहुत प्यारे मेहमान मौजूद हैं, बहुत अच्छे गेस्ट हैं हमारे आज के शो के, और वो भी भाई उनको भी जैसे हमें टिकटॉक का क्या कहते हैं, टिकटॉक की बीमारी लग गई, हमारी तरह जरासीम लग गया कि भाई सब हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं। बिल्कुल, सब उनके सारे दोस्त टिकटॉक पे थे, तो उन्होंने दोस्तों को भी देखकर और ख़ुद की भी तवज्जा हुई कि मैं टिकटॉक पे आ जाऊं, तो वो भी टिकटॉक पे आए। तो वेलकम करते हैं उनको शो पे, बहुत अच्छे टिकटॉक पे भी अभी वीडियोज़ में कल देख रही थी, मेरे पास फॉर यू पे आ रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह। और वो वाली मैंने देखी थी, पहले तो मैं नाम बताऊं ना, मैं गपशप में पहले ही लग गई। तो भाई वेलकम करते हैं अपने शो पे रईस ज़ुहैब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट क्लास, बाबा सही, हम सही लोग हैं, फर्स्ट क्लास होते हैं हम जो है ना, वो नहीं कहते VIP, नहीं कहते हम, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास होते हैं। ये मुझे कंटेंट मिल रहे हैं आप लोगों के साथ रह रहे कर। जी बिल्कुल। तो कैसे हैं आप लोग दोनों? ठीक है, लाइफ में क्या चल रहा है सबसे पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस बेहतर चल रहा है, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई कि हमारे सही हालात चल रहे हैं। अभी तो बारिशों की वजह से जमींदार लोग हैं तो सब कुछ डूब गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिट है सब कुछ, ओके लगे पड़े। आप बताएं। अच्छा, आपसे तो मैं टिकटॉक का पूछूंगी, ये नहीं पूछूंगी, आपको टिकटॉक का जरासीम कैसे लगा? बस ये देखा, एप इनको देखा, इनको देखा, कुछ हमारे दोस्त हैं उनको देखा, आपने बोला मैं भी आ जाऊं, खैर है क्या होता है सब में, बस टाइम पास है एक चीज़ है। हाँ, इसलिए टिकटॉक तो मैं सबको ये रिकमेंड करूंगी पर्सनली तौर पर कि टिकटॉक को फ्यूचर नहीं बनाए, ना टिकटॉक फ्यूचर है, क्योंकि वो एक टाइम पास की हद तक अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपके फैंस काफ़ी लोगों के अकाउंट मिलियंस के बैंड हो जाते हैं तो वो बड़ा जो है ना सोच में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, और अगर इसको आप टाइम पास की हद तक रखोगे तो आपके जो रियल फैंस हैं वो हमेशा रहते हैं, चाहे आपके अकाउंट बैंड हो या जो जानते हैं। सही बात है, सही है। मैंने तो कभी टिकटॉक को कोई फ्यूचर वगैरह नहीं माना, और मैंने तो कभी टिकटॉक को इतना तवज्जो भी नहीं दिया, और ना ही कोई शौक था, बस यूँ बैठे बैठे किसी दोस्तों ने मतलब कोई बुरा किया तो वो एक बनाया, किसी जगह पर बैठा हुआ था और किसी पोजिशन में बैठा था तो मैंने बनाया तो वो वायरल गया, तो मैंने सोचा कि यार ये मेरी जो आवाज़ है वो वायरल जा रही है, तो काश ये, क्या पता ये मेरा बाबा साईं वायरल जा रहे हो। मेरा पहला वीडियो ही अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में मिलियन में गया था, सिंधी आवाज़ में, तो मैंने कहा कि यार ये बहुत वायरल गए, तो क्या पता मैं वीडियोज़ बनाऊँ और ये मेरा वीडियो सिर्फ उस तक पहुँचे, वो देखे। मेरा तो ये शौक नहीं था कि मैं फेमस हो जाऊँ, मेरे फॉलोअर्स बढ़े, बस किसी को मुझे ना ये अपना वीडियो दिखाना था, तो इस तरह बनाता गया और वीडियोस वायरल। किसको दिखाना था? बस था कोई, था थी। बस मौला उसको खुश रखे, थी कोई, तो फिर इस तरह आस्ते आस्ते मतलब ये तूने क्या किया। तो बहुत वायरल गया। मैं तो अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी तो मैं आपको बोलने का मौका ही नहीं दूंगी, ये सारे रास्ता होते हैं। जैसे आपने मेरा पिछला शो देखा होगा गाइस, जूनियर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ, तो वो बातों में मैंने उनको कहा कि आपने क्राफ्ट कैसे सीखा, आपने कैसे हाथ से सीखा, तो मुझे हंस के कहते हैं अभी आप मुझे जो है इतना प्रेशराइज कर रही हैं, तो मैं बता देता हूँ मैंने कोई क्लास नहीं ली, मैंने यूट्यूब से सीखा। तो ये वाला सीन, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब से सीखनी पड़ती हैं, अगर मेरा पीसी खराब हो जाता है तो मैं यूट्यूब से ही सीखता हूँ, तो वैसे मैंने ली नहीं थी। अच्छा, हाँ, आप सुनाए जो पूछे, जो पूछूं। अच्छा, टिकटॉक तो अच्छा चल रहा है, दोस्ती कैसी जा रही है? दोस्ती माशाल्लाह अच्छी चल रही है, क्योंकि मैंने देखा है आपकी जो दोस्ती है ना वो मशहूर तरीन दोस्ती है। बिल्कुल, और जलन क्या कहते हैं, जलन वाला भले जलन पाया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे तो कोई नहीं जलता, सारे भाई हैं, सारे रिस्पेक्ट करते हैं, मुँह पे कोई थोड़ी आके बताएगा हम जलते हैं, बस जो जल रहे हैं अल्लाह उनको भी खुश रखे।
जलने वाले और जलो, हम ऐसी हम ऐसी आप लोगों को जलाते रहेंगे, वो है ना जलवा है अपना। तो अच्छा भाई ये मुझे बताएं सबसे पहले कौन सी पोएट्री थी। अब मुझे पता है कि ये फीलिंग्स होती हैं और ये जब इंसान की दिल पे कोई बात लगती है या कुछ सोच आती है तो आप दिल से कोई बात निकालते हैं तो वायरल चली जाती है। मतलब मैं बैठा हुआ था तो किसी की मतलब वो बातें याद आ गई थी। ओके तो मैंने यूं ही बोला था कि एक पोएट्री थी मेरी, अब देखो मेरी फीलिंग है उस वक्त तो उस आवाज़ में निकली। एग्जैक्टली पर अभी मैंने इस तरह कहा था कि मतलब ॾाढो कूड़ो ज़मानो आहे, मतलब जो दौर आहे जेके माण्हू जनाज़े ते निमाज़ पढ़ण ईंदा आहिनि उहे बि पंहिंजे मतिलब लाइ ईंदा आहिनि। Exactly. सिंधी में था, अब उर्दू में इस तरह होता है कि मतलब का दौर है। लोग जनाजा की नमाज भी अपने मतलब के लिए आते पढ़ने आते। क्या बात है। तो थोड़ी उर्दू वीक है पर चलेगा। खैर है सब। तो मैंने उसका वो मतलब इसलिए उसमें ऐड किया था कि वो उस वक्त ऐसी कोई बात थी हमारे बीच में तो हो गया था। मैं सिंधी सीखने निकली थी, मैं अपनी उर्दू भी भुला बैठी हूँ लेकिन फिर भी अच्छी बोल लेती हूँ। बिल्कुल। अच्छा मुझे आप ये बताएं आपकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो एक सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ एक फ़न होता है, सोशल लाइफ को हम सीरियस नहीं ले सकते मेरी नज़र में, क्योंकि सोशल लाइफ को जितना हम सीरियस लेंगे वो उतनी हमसे जिस चीज़ को हम जितना नज़दीक करते हैं वो दूर भागती है। तो इसीलिए हर चीज़ को चाहे वो सोशल हो चाहे वो इंसान हो चाहे वो दोस्त हो हर चीज़ को छोड़ देना चाहिए उसके हाल। तो क्या कहेंगे जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें क्या चल रहा है। बस वही वडेरे लोग और जमींदारी सिस्टम, मतलब लैंडलॉर्ड चल रहा है, बिजनेस ज़मीनें चल रही हैं। इसका भी अपना मज़ा है यार। आप हम लोग काफ़ी, मैं भी एज अ जॉब करती हूँ और अगर हम अपनी ज़मीनों पे जब जाते हैं तो वो एक अपना प्राउड होता है। बिल्कुल कि यार ये हमारी ज़मीन है तो उस पर काम करने का मज़ा अपना है, जहाँ जॉब्स वगैरह में। बिल्कुल नहीं, ये बिजनेस है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि बिजनेस तो हमारा कोई नहीं है, हमें ज़मीन ही है। हम बाईकास्ट चांडे हैं तो हमारी ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, हमारे बड़ों ने चांडा। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बस सालों बाय साल फसल आते हैं, पैसे आते हैं, अपनी गाड़ियाँ छड़ियाँ, अपना शौक पूरा करते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा ये भी इतना सही नहीं, आपने सही कहा अपना मज़ा है पर बिजनेस करने का अपना मज़ा है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अपनी वरीर के सिस्टम में, जो जितने भाई मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये ऐसा है कि आप बैठे रहेंगे सुकून से और पैसा आएगा, उसको डबल नहीं कर सकते आप, वही उसी पे उसी खाएंगे आप। क्या पता अगर अल्लाह खुदा न खास्ता कोई बुरी मुसीबत आ जाए, जैसे अभी इतनी बारिशें हुई थी, इतना मसला, अभी आटा कितना महंगा हो गया, तो पैसे की तंगी होती रहेगी। तो खुदा न खास्ता कभी ना आपने एक जरेब ज़मीन का बैग मतलब सेल किया या कुछ किया तो आपको लत लग जाएगी बेचने की। सही। तो सबसे बेस्ट जो वे है ये तरीका है कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। बिल्कुल। अच्छे घर वगैरह लो जिसमें आप मसवाड़ पे दे दो, मतलब शॉप्स वगैरह गाड़ियों का शोरूम कर दो। मेरा तो ये मानना है, मैं चाहूँगा कि बिजनेस करूँ, वो सबसे बेस्ट है। नींद आ रही है। सुबह सुबह का वक्त है ना, एक तो नाश्ता भी नहीं। हाँ बहुत सुबह का वक्त है, वो मुझे शो के बाद नाश्ता देंगे यार। ये इतना सुबह का वक्त है, हम सुबह 6 बजे उठ के आए। इतना भी कूड़ नहीं बोलो, इतना कूड़ अच्छा नहीं है और ज्यादा सच भी अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं ना ज्यादा मीठा बनोगे तो अगले खा जाएंगे, कड़वा बनोगे तो थूक देंगे। तो ना ज्यादा अच्छा बनो ना ज्यादा बुरा बनो। बस वो सिंधी में एक शेर है ना, ही दोरा चापलूसी चमचन जो, अगर ज्यादा सचो थी भी नहीं तो अकेलो रह जी भी नहीं। वाह सही बात। बस ज्यादा सच इंसान को जो है ना मार देता है। मैंने बड़ा धक्के खाए हैं सच बोलने से ना। लोग कहते हैं ना सच बोलो रास्ते आसान होंगे, मैं कहती हूँ जितना सच बोलोगे उतना आप जो है ना वो होते जाओगे। नहीं आज का दौर है, झूठा जो इंसान होगा वो सीट के आगे बैठेगा और जो सच्चा इंसान होगा वो साइड में भी नहीं होगा। सच्चा इंसान बहुत भारी होता है, उसको उठा के चलना बहुत मुश्किल है। जो उसके अल्फाज है ना वो मतलब बहुत भारी होते हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। झूठ जो होता है वो मीठा है बहुत ज़्यादा। हाँ झूठ मीठा है। अच्छा अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं इनसे पूछूँगी कि पहले इनको शो पे आके कैसा लगा और हम लोग मुझसे मिलके कैसा लगा एज एन आर्टिस्ट। ये भी एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा व्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, फेसबुक पेज पे बहुत अच्छे व्यूअरशिप आ रही है। आई सॉ यस्टरडे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे अब इतने प्यार करने वाले लोग हैं हमसे, क्योंकि वी आर नथिंग, हम जो कुछ भी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फैंस। अगर हमारे फैंस हैं तो हम लोग यहाँ जो मैं बैठी हूँ, मैं कहती हूँ थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स टू माय फैमिली और थैंक्स टू माय फैंस।
इस बात पे मैं आऊँगा कि मैंने काफ़ी टिकटॉकर्स या काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को मैंने देखा है, आर्टिस्ट को, कि वो अपने फैन से मिलते कम हैं और इन लोगों में थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ गया है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर तुम लोगों को इज्जत जो मिली है और जो अभी तुम लोग बने हो, वो अपनी फैंस की वजह से बने हो। मिलो उनसे, मोहब्बत करो उनसे, क्योंकि अल्लाह इज्जत देता है तो फिर छीन भी सकता है। ऐसा ही है, हर अरूज का जवाल होता है, ये हकीकत है। अरूज के वक्त एतरो मन के तकलीफ न जो जो मानू तमा जे जवार जी दुआ घुण लगन। क्या बात है, क्या बात है। तो गाइज ये है रईस सरफराज बलोच, जिनकी स्टोरी इन्होंने टिकटॉक, काफ़ी लोगों को जाहिर सी बात है जहन में होगा कि ये एकदम टिकटॉक पे अचानक आए और अचानक इतना वायरल हो गया। 3 महीने 3 महीने बहुत कम लिमिट है, बहुत कम एक बॉय के लिए। लड़की अपनी चूड़ी भी दिखाएगी उस पर मिलियंस में लाइक्स में आ जाएंगे। एक लड़का जब मेहनत करता है, एक टैलेंट को प्रमोट करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे सिंध के लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे जितने देखने वाले हैं हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें फॉलो करते हैं और हमें आगे मूव करते हैं। तो ये बहुत अच्छा। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को आप अपनी तरफ? बस देखने वाले को तो मैं इतना कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों से बहुत मोहब्बत मिली है मुझे और मैंने कभी इतना सोचा नहीं था। मैंने जस्ट पेट पेट के ऐसे वीडियो बनाया था और इतना मोहब्बत मिली और इतना चाहने लग गया कि बस अल्लाह का शुक्र है और भाइयों की बहुत मेहरबानी है और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। और भाइयों को इतना कहूँगा कि लव यू ऑल, बहुत मोहब्बत मिली है कम समय में अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा तो आपको भाई जोहेब बताएगा कि मोहब्बत कितनी मिलती है सिंध में। बिल्कुल मोहब्बत मिलती है, लोग मिलते हैं खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैंने भी देखा है भैया, आजकल तो लोग तारा रारा को भूल के ऐसे नहीं नहीं, नहीं, नहीं आपका अपना हिसाब किताब है। आप माशाल्लाह सिंध के एक आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आजकल के मैं वो डायलॉग भी है ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो मैं ज़्यादा दिख रहा हूँ तो बिक रहा हूँ। हाँ दिखने दिखाओगे तो बिकेगा, ही जाहिर सी बात है। अब मैं मजीद इस टॉपिक को छेड़ूंगी नहीं, छोड़ दें इसको। किस्सा है मोहब्बत, बड़ी लंबी कहानी है, हम जमाने से नहीं आ रहे, बस किसी की बात मानी है। तो गाइज एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं जिनके आज 1 मिलियन लाइक्स कंप्लीट हुए, तो मैंने सोचा उनको अपने शो पे कॉन्ग्रेट्स करें। तो ब्रेक से वापस आती हूँ, मेरे साथ जुड़े रही हैं। जब तक आप कमर्शियल ब्रेक देखें कहीं नहीं जाइएगा, यूं गई यूं आई। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करती हूँ कि मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो भी बहुत प्यारी पर्सनालिटी की मालिक हैं और उन्होंने जो है टिकटॉक पे भी उनको हमें देख के नहीं बोल सकती हूँ, हम सबको देखकर दोस्तों को उन्होंने बोला टिकटॉक पे, मैं भी पीछे क्यों रह गई। जैसे मैंने इससे पहले ब्रेक से पहले जिक्र किया, हमारे साथ जो जोहेब भाई बैठे हुए थे मौजूद थे, कि उन्होंने भी दोस्तों को देखा कि उन सब टिकटॉक ऐप पे हैं, तो मुझे भी जरा सीम लगने चाहिए, इनको भी लग गए उनको भी लग गए। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे सबसे पहले ज़हरा जतोई को और जोया मालिक को। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? मैं, आप तो लड़के हो ना, है ना? क्यों बोले, लड़का कैसा है हमारा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। भाई ये गर्ल है, इसको हम प्यार से सरदार जादी भी बोलते हैं, और इन्होंने अपना गेटअप ये क्यों किया मैं इनसे पूछूंगी। भाई इस गेटअप की वजह क्या है? शौक था। शौक किसको देख के हुआ? एक हमारी वो सैम रिंद है, उसको देख के तो नहीं हुआ भालू को? फिर भी नहीं करते, हमारी कॉपी करते। फिर भी ये क्यों शौक हुआ आपके? वैसे गर्ल तो ज्यादा अच्छी लगती है, मैंने देखा हुआ गर्ल बने हुए। बस कोई भी अगले को जो पसंद हो वो बने, जो खुद को पसंद हो। कोई ये टूटने वाला सीन तो नहीं है? टूटने वाला है, टूटी दिल लगो धक जिगरी। दिल लगते ही नहीं जो टूटे। अरे जरदारी साहब वाला डायलॉग, अरे अरे बॉस बॉस बॉस। जया मलिक आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं। ठीक है, दोनों की टांग ऊपर है, मैं भी भला शलवार कमीज पहन के आती तो ऊपर करके रखती, लेकिन मैं जो है ना अभी हूँ अच्छी लग रही हूँ। काटन का वगैरह पहना है ना बाबा साईं, मम्मी डैडी बच्चे ये पहनते हैं, ये साईं लोग हैं, बाबा साईं ये काटन का वगैरह पहनते हैं, अब हम क्या करें। बिल्कुल, मुझे पता होता कि आप काटन का वगैरह पहन के आ रही हैं तो मैं भी काटन का वगैरह पहन के आती। चल नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको। अच्छा बस ठीक है, डन हो गया। क्या चल रहा है जरा जिंदगी में? बस चल रहे हैं, उठते हैं बैठते हैं खाते पीते हैं और सोते हैं बस। और टिकटॉक कैसा जा रहा है? चल रहा है वो धक्के पे। मेरा भी धक्के पे ही, आजकल लोग रिपोर्टें मार रहे हैं, नहीं करो यार ऐसे, क्या गुनाह किए, क्या लेके भागी हूँ, रिपोर्ट्स तो नहीं करो।
आपको रिपोर्ट्स मांगते हैं, ब्लॉक होते हैं, बैंड होते हैं अकाउंट, क्यों? देशी वीडियोस बनाती हैं? देशी अभी मैंने साउंड छोड़ दी छोड़ दी आपके मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से एक भी आप भी बाल कटवा लो ना इसकी तरह कर नहीं नहीं इतना भी बड़ा बाल इतने ही कटवाए इसने आपके कटवाए इसने कटवाए आप भी कटवाओ ना उसको मशवरा दिया मैंने मशवरा नहीं दिया था इसने अपनी मर्जी से किया अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके 1 मिलियन लाइक्स कंप्लीट हुए आज टिकटॉक पे मैंने देखा और आई थिंक 70+ K फॉलोअर्स हो गए हैं सही कह रही हूँ देख ले मोहब्बत है तो मैं जानती हूँ आपके अकाउंट्स को देखती हूँ और फॉलो नहीं करती हूँ फॉलो भी करेंगे आपका मेरे भी बस 51K 51K कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसी मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें फेवरेट टिकटॉकर कौन है ज़रा तारा बोहर तारा बोहर बाबा सही तारा बोहर तो इनकी फेवरेट हो गई है आपकी नौवीं बादशाह नौवीं बादशाह आपकी तरफ आया था अच्छा नौवीं बादशाह आपका फेवरेट है क्यों वो फेवरेट क्यों है इसकी रीज़न क्या है उसके आइज प्यारी हैं और वीडियोस उसकी अच्छी लगती हैं ये भाई ये जो शो है ये नौवीं बादशाह तक पहुंचा दे मेरी रिक्वेस्ट है और अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो मैं उसको लिंक शेयर करूंगी आपका क्लिप निकाल के उनको भेज उनका फ्रेंड कुमैल बादशाह वो दोस्त है उसके जरिए उसके जरिए मैसेज दे दूंगी अपना को दे देंगी बस फिर मतलब मुझे तकलीफ़ नहीं करनी पड़ेगी जी बिल्कुल ये ठीक हो गया अच्छा सरदार ज़ादी मुझे आप ये बताएं ये सरदार ज़ादी आपने एक अपने अकाउंट पे लिखा ये क्यों लिखा वैसे मैंने देखा था काफ़ी लोग आपको मैं भी मेरे नाम पे भी ज़बान पे यही चढ़ गया है इसको काफ़ी लोग सरदार सरदार कहते थे इसलिए फिर इसने कहा मैं अपनी आईडी का नाम क्यों सरदार ज़ादी क्यों ना रखूँ हाँ यार मेरा भी दिल है ऐसी मैं ड्रेसिंग करूं लेकिन मेरी अम्मा ने चप्पल छितर मार के मुझे घर से बाहर निकालना है तो इसीलिए मुझे करती तो करती हूं लेकिन कम करती हूं अब छोड़ दी है अब तो मैं लड़की बन गई हूं सही पहले लड़का थी पहले बस अब ये लाइव शो में ना कुछ बातें ना छुपी हुई अच्छी होती हैं खुद खोल घर आना फिर हम बताएंगे अब मैं कुछ कह नहीं सकती अच्छा ये खेड़ी भी आपने वॉइस वाली पहनी हुई है या खेड़ी कैमरे में अगर आ रही हो तो दिखाइएगा देखें ये देखें ये चंपल ये चंपल कहाँ से ली आपने चंपल ये शॉप से मिली थी बस ये पीआर मिला आपको गिफ्ट नहीं 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 पीआर नहीं आते पैसे से लिया है जी हाँ पैसों कितने के ली ये बताया नहीं करते अरे मुझे भी लेनी है मुझे अच्छी लगी जब आई लव दिस डीएम में बता दूंगी कितने डीएम में बता दूंगी डीएम में कौन सी ब्रांड से ली है प्रमोशन कर रहे हो यार आपके ब्रांड की मैं प्रमोशन करूँ हम गरीब लोग हैं ब्रांड नहीं पहनते हम जिसे पहनते हैं वो खुद ही ब्रांड बन जाता है नहीं यार ये तुम लोग व्हाट इज ओह माय गॉडनेस ये क्या हो रहा है क्या ये दोनों फायरिंग कर रही हो क्या मेरे से दुश्मनी है या क्या सीन है आपसे दुश्मनी क्यों होगी आप तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं बाबा साईं ब्रांड बनो ब्रांड कॉपी करने वाले बहुत बैठे हैं ऐसा आपका सीन है वही है बिल्कुल तो लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने तभी आपसे पूछा कि रख लें आप अरे रख नहीं रही मुझे पैसे बताए ना नहीं नहीं पैसे हम नहीं बताते बडेरी ब्रांड मैंने कहा जिसको पहनते हो ब्रांड बन जाते हैं ब्रांड का नाम नहीं है नहीं लोकल लुंडा से ली लुंडा से ये तो मेरी तरह पहली वो है ना कौन सी कुबरा खान पहली शर्ट हमने लुंडा से लेके पहन के हम जियो पे इंटरव्यू देने गए थे लोग समझते हैं कि यार क्या मतलब है लुंडा वाले भी इंसान जाते हैं वहाँ खरीदने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है लेने चाहिए जाकर वैसे सच बताओ लकी वन से भी अच्छी चीज़ें एलबी मॉल लुंडा बाजार भी मिलती हैं तो वो इम्पोर्ट होती है ना बाहर से अच्छी अच्छी इम्पोर्ट होती है अब देखें सब सब कुछ मैं कैसे निकलवाती हूँ ये तारा है ये भी आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लुंडे में अच्छी मिलते नहीं हम बाकी देखा बाजी पहने में देखा बाजी पलटी कहने लगी लुंडा से अच्छे मिलती है मैंने कहा बातें कर लोग पहनते हैं ना तो हम उनको देखते हैं यार अभी ना मैं ना बहुत शो पुराना कितना अरसा हो गया मुझे शो करते हुए 1.5 साल हो गए हैं बल्कि मेरे 100+ एपिसोड 200 होने वाले हैं तो यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं ना मेरे सीनियर्स भी आते हैं तो वो भी यूँ तोबा करके जाते हैं आज आपने बड़ी फायरिंग की है इधर कि हम जो ब्रांड पहनते हैं वो अभी रोइस बलोच आया उसने कितना मैंने कहा यार इन दोनों को क्या हो गया सरदार ज़ादी तो बड़ी पुरानी दोस्त है ये ब्रांड हो रहा है क्या सीन है खैर तो है आज रोइस बलोच फेमस टिकटॉकर है कुछ तो आपको बोल के जाएंगे नहीं यार अगर आप लोग फेमस नहीं होते तो आप यहाँ नहीं बैठते फेमस हो तो लोग वहाँ बैठ जाएंगे लोग जानते हैं तो यहाँ हो ना लोग जानते हैं तो यहाँ बैठे हैं आप लोग मोहब्बत करते हैं ना लोग ने आपके 2 अकाउंट बैंड हुए तो डेफिनेटली उधर भी फॉलोअरशिप आपकी थी और इस अकाउंट पे भी आपको बहुत कम टाइम में लोगों ने आपको फॉलो किया ऐसा ही है ना
फेरा फेरा मौलाए मुझे धागे में आण जा। इसके तो 4 मंथ में हुए हैं। 4 मंथ और आपको? मेरे दोस्त आप 1900 से मुझे लग रहा है। नहीं नहीं 2021 से ही। अच्छा वही 2021-1900 हो गया। सही है। क्या मैसेज देना चाहोगे जरा देखने वालों को, अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को, दोस्तों को मेरे बारे में, मेरे शो? हम यही कहेंगे हम दोनों से जलना छोड़ दो। ये जरा मुझे बड़े ऐसे गोर गोर के देख रही है क्या? बताओ, हम भी थोड़ा वो ना वो पोज देते हैं। फीलिंग्स थोड़ी चेंज, लड़की लग रही हो ना। क्या मैसेज देना चाहोगी यार? अल्लाह बचाए मुझे तेरे। नहीं, इसको तो लड़कियां प्रपोज करके जाती है अधीन में हमारे इलाके में। अब हम अच्छी रहते हैं, रिलेशनशिप रखेंगे, शादी रिलेशन में ना, शादी शादी फिर छोटी छोकरियाँ हैं की शादी यार बस। क्या मैसेज देंगे किसको किसको, देखने वालों को, फैंस को, व्यूअर्स को, आप अपने और हमारे सिंध के लोगों को जो हमें इतना प्यार करते हैं? हम उनको यही बोलेंगे कि हम दोनों से जलना छोड़ दो, इसके अकाउंट को रिपोर्ट्स नहीं करो। बेचारी बहुत मेहनत करती है, आप लोगों के लिए जाती है, वीडियो बनाती है ताकि आप इनके फॉलोअर्स खुश हों कि सरदार आया है टिकटॉक पे। आप क्या कहेंगी? नहीं कहूँगी कि जैसे पहले सपोर्ट करते हो वैसे अभी भी आगे। ये बंदी हर वक्त सोच में रहती है, मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है, सोच ही ख़त्म कर दी, सोच का ऐसी नहीं है। आप हम गरीब भाई। यार मैं, आप गरीब हो तो मैं जो है ना शुद्ध गरीब हूँ। अब और बोलो। तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपके अपने फेवरेट टिकटॉकर्स के साथ, फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। इस शो के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। तो मेरा अल्लाह हाफ़िज़।